Okay, at CV, chapter 29, question number 1. यहां पर dimensional formula, यानी कि units and dimension class 11th की बात चल रही है, ठीक है जी. तो dimensional formula for epsilon naught, बात कहां से करनी पड़ेगी? Coulomb's law से. Coulomb's law में अगर आपको ये याद है कि K, Q, 1, Q, 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर नाम की चीज हुआ करती है, मतलब दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 अगर आर डिस्टेंस से सेपरेट हैं तो फॉर्मूला होता है K, Q1, Q2 बाय आर स्क्वायर. और K को बखूबी हम लोग जानते हैं कि K क्या है. K क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, इतनी बातें हो गई. अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मैं एफ सी के पास भेज दूँ आर स्क्वायर, तो यूनिट्स देखना क्या बन जाएगी. और नीचे क्या रख दूँ? क्यू वन क्यू टू, तो ये क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है जी. और अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कहाँ पहुँचने के लिए? एप्सिलॉन नॉट तक पहुँचने के लिए. तो जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एप्सिलॉन नॉट, देखो 4 पाई तो क्या है? एक कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और एक पाई भी कांस्टेंट है. तो ये क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो कूलम की जगह क्या, देखो भैया चार्ज होता है आई इंटू टी, यानी कि एम्पेयर इंटू टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है. ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, किसके लिए यूज़ किया मैंने? ये न्यूटन के लिए. न्यूटन के लिए आप क्या यूज़ करोगे? एम एल टी माइनस टू, बात समझ में आ गई. और मीटर स्क्वायर क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया. कुछ नहीं है, अब तो बच्चे भी कर लेंगे. सर मैं तो बच्चों से भी बच्चा हूँ, मुझसे तो ये भी नहीं हो पाएगा. मैंने कहा अच्छा ले भैया मैं कर देता हूँ, ठीक है भैया मैंने कर दिया. भैया देखिए यूनिट्स इन डायमेंशन, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट. ऑलराइट, सी यू सून बो बॉय. See the next video for question number 2. Bye-bye.